शेयर मार्केट में गिरावट बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, और एक ऐसी भी कंपनी है जो कर्ज़ में डूब चुकी है। अब वो कभी भी डूब सकता है, और वो बैंकिंग सेक्टर में से एक है दोस्तों, वो है RBL बैंक। हाँ दोस्तों, ये है RBL बैंक जो आपको डुबा सकता है। देखिए, मार्केट तो बहुत बुरी तरीके से डूब रहा है, लेकिन हमें ये भी चेक करना चाहिए कि हमने जो स्टॉक ख़रीदा है क्या वो सही है। क्या जब मार्केट सही से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हमारा स्टॉक जो है धीरे धीरे रिकवरी मोड में आ जाएगा, या फिर वो नीचे ही की निचले स्तर पर ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये RBL बैंक थोड़ा खतरा ज़्यादा है ये स्टॉक में, अगर आप ऐसे स्टॉक में निवेश करते हो। क्यों खतरा ज़्यादा है वो भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझा दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कंपनी का 52 वीक हाई कितना था दोस्तों, 716 था, ठीक है। और दोस्तों, कंपनी का 52 वीक लो कितना है दोस्तों, 156 है, ठीक है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। देखिए, आज के डेट में इसने जो है 52 वीक लोएस्ट लगाया है ये कंपनी। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का फंडामेंटल देख लोगे तो दोस्तों, मार्केट बंद होने के बाद आपकी हाथ जो है दोस्तों, फिंगर वो रुक नहीं पाएगा। अभी ही ये स्टॉक को सेल करके निकलना चाहोगे आप, अभी के अभी स्टॉक को ये सेल करके निकलना चाहोगे। चाहे आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा दीजिए, AMO मार्केट ऑर्डर लगा दीजिए दोस्तों। क्यों, वो भी मैं आपको वजह बताता हूँ, ठीक है। वजह बताने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा, ठीक है। कंपनी का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम 2018 और 2019 का ही ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 2018 और 2019 का ग्रोथ है, ठीक है। ये दोस्तों 1638, ठीक है, 2018 दिसंबर में था, ठीक है ना। और ये देख लेते हैं दोस्तों, मार्च 2019 में कितना है, तो 1834 के आसपास है, ठीक है। आप देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 2019 जून, और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, तो तीनों चीज़ में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पर भी 2000 के आसपास है, यहाँ पर भी 2100, 2100, मतलब कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट के मामले में बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, मतलब कहानी खत्म और चैप्टर क्लोज, द एंड हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये है दोस्तों नेट प्रॉफिट, ये लाइन को आपको फोकस करना है, ठीक है, ये लाइन को आपको फोकस करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैंने ला दिया इसको, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 2018 में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ 2018 में कितना है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 250 25 पे, ठीक है। और क्लियर, 2019 में ही, 2019 मार्च में कितना है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों 247 के आसपास, ठीक है। और जून, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जेन है दोस्तों, जेन में यहाँ पर देख लेते हैं, तो दोस्तों 267 के आसपास है। अब जैसे ही 2019 सितंबर आता है दोस्तों, 2019 सितंबर आता है, कहानी ख़त्म हो जाती है भाई, कंपनी का कहानी ख़त्म हो जाता है। जो 200 के आसपास था, ये 54 में बदल चुका है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, सितंबर 2019 आती है, और दिसंबर 2019 में कंपनी का हाल चाल ख़त्म हो गया। जो 200 के आसपास चलता था दोस्तों, 200-300 के आसपास चलता था, यहाँ पर देख लो 200-300 के आसपास चलता था, उसका कहानी खत्म होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। जिस कंपनी में प्रॉफिट होता था 240-250 के आसपास, उस कंपनी में दोस्तों केवल 50 ही प्रॉफिट हो रहा, बाकी सब गायब। वो तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इस देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी पर कर्ज कितना है, ठीक है, कंपनी कितना इधर उधर से कर्ज लेके रखी है, तो वो भी मैं देख लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको इस लाइन पे फोकस करना है, ये कर्ज वाला है। और ये देख लेते हैं दोस्तों, टोटल असेट, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये टोटल असेट वाला है, और ये जो लाइन है दोस्तों, टोटल कर्ज वाला है, ठीक है। तो हम चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कर्ज कितना है कंपनी का भाई, ठीक है। यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा कंपनी पर, अगर हम टोटल कर्ज देखें तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 70,000 का आसपास है दोस्तों, 70,226 के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास टोटल असेट कितना है दोस्तों, अगर कल को कंपनी को कुछ होता है तो कंपनी अपने आप को कितना सेफ रख पाती है, तो ओनली 10% है दोस्तों, ओनली 10% कंपनी का कामकाज ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो, कंपनी के पास यहां 70,000 का क्या है, कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। उसके बाद इसके पास टोटल असेट कितना है, ओनली 80,000 का, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो 1,000 में है, आपके पास बचा कितना, अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, 10 ही, अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 10, ठीक है। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, कंपनी
के पास अगर हम प्रमोटर्स के पास चेक कर लेते हैं तो भाई प्रमोटर्स तो पूरी ख़त्म कहानी है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो डेटा है, फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं अपने पास से कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कंपनी के पास अगर देख लेते हैं दोस्तों, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कितना है, ज़ीरो ज़ीरो बचा हुआ है दोस्तों। कंपनी के पास होल्डिंग ज़ीरो बचा हुआ है, देख लो प्रमोटर्स, ठीक है। अगर प्रमोटर्स के पास कुछ नहीं, अगर कल को कंपनी को कुछ होता है तो लॉस केवल आपको होगा और प्रमोटर्स को नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, तो ठीक है। अगर RBL बैंक में अभी भी आप निवेश करना चाहते हैं इस प्राइस पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी भाई, हमारा काम था आपको इन्फॉर्म करना। अगर आप वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशनल लगा, देखो ये चीज़ें बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हो, कल को अगर मार्केट जो है इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया, मतलब कि अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया मार्केट में, ठीक है, तो आप तो खरीदोगे, ठीक है, सारे स्टॉक को खरीदोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे खरीद लेंगे RBL बैंक को, वो सोचेंगे कि RBL बैंक बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इसको खरीदेंगे प्रॉफिट होगा। हाँ ठीक है, होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको फंसा दे बीच में आके दोस्तों, फिर ऐसे डाउन ऊपर जाए, फिर जाने के बाद फिर नीचे चल जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसे कंपनियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप भी अपना डिसीजन ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इनक्रेज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे कुछ स्टॉक के बारे में। और दोस्तों आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करें या उसके बारे में हम कुछ आपको बताएं, इन्फॉर्मेशन दें, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉमेंट आया तो हम वहाँ उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे।